हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट एंड जीके पे। दोस्तों कुछ दिनों पहले मुझे एक मैसेज आया, तो उस मैसेज में लिखा हुआ था कि सर M5 के लिए कितना का ड्रिल साइज ले। देखिए चाहे वो M5 हो, M6 हो, M12 हो, M16 हो, चाहे जितना भी हो, उसके लिए फॉर्मूला सेम लगता है, ठीक है। और ड्रिल साइज भी उसी से निकलेगा और जो आपका ड्रिल साइज आएगा वही आपको ड्रिल करना भी होता है, ठीक है। तो उस चीज को एक्चुअली आपको समझना होता है, ठीक है, कि हम लोग का फॉर्मूला क्या है और क्या हम लोग का ड्रिल साइज निकल रहा है, उस आधार पे हम लोग फैसला करते हैं। अब मैं आपके सामने में तीन फॉर्मूला तीन अदर वे से लाया हूँ, वो तीनों फॉर्मूला को मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि वो कितना हद तक सही है, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो भी न्यू विजिटर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिखा है TDS, TS एंड P। सबसे पहले हम लोग पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? TDS इक्वल टू TS माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पिच। सबसे पहले हम लोग TDS का मतलब समझ लेते हैं। TDS क्या है? TDS है टेप ड्रिल साइज, TDS टेप ड्रिल साइज। TS क्या है? टेप साइज, यानी कि जो टेप होता है उसका मेजर डायमीटर, ठीक है ना, क्या मेजर डायमीटर। और पी क्या है? पिच ऑफ द थ्रेड, यानी कि जो हम लोग का बैंगल्स होता है, जो चूड़ी होता है, एक से दूसरे चूड़ी का बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक है ना। यानी कि जो हम लोग का पहला चूड़ी, ये दूसरा चूड़ी, इसका दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक है ना। तो हम लोग का पास तीनों मिल गया। पहला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है TDS इक्वल टू TS माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पिच। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या लेता हूँ? सपोज मुझसे M20 का निकालना है टेप ड्रिल साइज, ठीक है, M20 का टेप ड्रिल साइज मुझे निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, उसका हम लोग को पिच जानना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर M20 का जो पिच है वो 2.5 होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड पिच जो है 2.5 होना चाहिए। अगर इसको फाइन थ्रेड में लेंगे तो अलग हो जाएगा, कोर्स में लेंगे तो अलग हो जाएगा। एक्चुअली ये कोर्स ही है जो मैंने आपको बताया 2.5, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर हम लोग एक पिच ले लिए कि हम लोग को M20 का 2.5 पिच जो है, अब टेप ड्रिल साइज निकालना है कि कितना का ड्रिल होल करेंगे तो हम लोग का M20 का थ्रेड होगा या फिर M20 का हम लोग टेप चला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज पर फॉर्मूला यहाँ पर बैठा देंगे। फॉर्मूला क्या है? TS माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पिच। तो TS इज इक्वल टू टेप साइज, टेप साइज यानी कि टेप का हम लोग का मेजर डायमीटर कितना है, तो 20 है, 20 पुट ऑफ माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पिच कितना है 2.5, ठीक है ना। और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इंटू 0.61 इंटू 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यानी कि गुना। एक कमेंट मुझे ये भी आया था, होता है, देखिए इसमें किसी का दोष नहीं है। एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि सर जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी भाषा में, जोड़ घटाओ गुना भागा, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम है इंग्लिश में और वो लोग नहीं समझ पाते हैं और उसमें वो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ ये टॉपिक को रोकते हुए बता देता हूँ। जोड़ यानी कि प्लस करना, ठीक है ना, ऐड करना, घटाओ यानी कि सब्ट्रैक्ट करना या माइनस करना, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करना या इंटू करना, डिवाइड यानी कि उसको भागा करना, ठीक है ना। ये हम लोग के कुछ वर्ड है जो याद रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा जरूरी नहीं कि जोड़ घटाओ गुणा भागा को मैं शुद्ध भाषा में बोल पाऊँ या फिर शुद्ध इंग्लिश भाषा में ही बोल पाऊँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इंटू 0.61 इंटू 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग का हो जाएगा उस जगह 20 माइनस 0.3 माइनस 0.5, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर मैंने भूल कहा है,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 0.61 इंटू 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग का आ जाएगा कितना, 20 माइनस 3.05। और जब हम लोग इसको 20 से माइनस करेंगे 3.05 को, तो हम लोग का आ जाएगा 16.95। कितना आ जाएगा, 16.95, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये देखिए, आप खुद सोच करके देखिए, M20 के लिए 16.95 का क्या ड्रिल आ सकता है, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। आपको 17 का ड्रिल मारना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या 17 का ड्रिल सही रहेगा, ये आपको विचार करना है, ठीक है। विचार वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तीनों फॉर्मूला का एक मैं बेसिक जड़, जो एक्चुअली तीनों फॉर्मूला में से किसको हम लोग को आगे लेकर के चलना चाहिए, वो बेसिक चीज मैं आप लोगों को समझा दूंगा लास्ट में। तो एक्चुअली वीडियो को देखिए और पहले समझिए तीनों फॉर्मूला को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 16.95। तो सबसे पहली बात कि 16.95 का ड्रिल नहीं होता है, आप लोग को 17 का ही ड्रिल करना पड़ेगा या 17 का बोर करना पड़ेगा। और एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये तीन फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक बार ना देसी तरीका से ट्रेप ड्रिल साइज बताया था, तो किसी एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा कि सर आपके पास में फॉर्मूला नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है पहले उसको वो समझिए, और उसके बाद में फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बस कोई चीज़ को आसान बनाने के लिए। आप उसको कितने अच्छे ढंग से आसान बना सकते हैं, तो आप खुद में एक फॉर्मूला हो, या अगर आप आसान नहीं बना सकते हो तो फॉर्मूला भी आपका कोई काम नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई चाहे कोई भी चीज़ का फॉर्मूला हो, बहुत से फॉर्मूले मैंने खुद से बनाए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फॉर्मूला इंटरनेशनल या नेशनल पे साबित हो जाएगा, नहीं। अगर वो किसी काम को आसान बनाता है तो वो फॉर्मूला ठीक है, सटीक है ना। चलिए सेकेंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है TDS यानी टेप ड्रिल साइज इक्वल टू TS माइनस P, TS यानी टेप साइज माइनस P यानी पीच। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था M20 का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 20 माइनस 2.5 पीच है हम लोग का, और यहाँ पर जब 20 से 2.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17.5। अभी आप खुद सोचिए यहाँ पर कितना का पीच आ रहा था, तो 17 का, कितना का ड्रिल साइज आ रहा था, तो 17 का, यानी 17 का आपको ड्रिल साइज करना था। अब यहाँ पर 17.5 का ड्रिल साइज आ रहा, तो आप कन्फ्यूज हो गए होंगे कि अब मुझे 17 का ड्रिल मारना है या 17.5 का होल करना है, है ना, कन्फ्यूजन है। चलिए इसको हम लोग लास्ट में दूर करेंगे और एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। और एक फॉर्मूला है जो कि ईजाद किया गया है, वो है TDS इक्वल टू TS इंटू 0.8। TDS यानी टेप ड्रिल साइज, TS यानी टेप साइज इंटू 0.8। जैसा कि हम लोगों ने माना था 20 M20 TS टेप साइज इंटू 0.8, ठीक है ना। तो 20 से अगर गुना यानी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, गुना यानी मल्टीप्लाई यानी इंटू, अगर 20 से इंटू करेंगे 0.8 को, तो आपका आ जाएगा 16 mm। सोच के देखो आप कि 16 का ड्रिल आप मारोगे M20 के लिए, तो कितना दूर तक वो सही रहेगा। चलिए ये तीनों फॉर्मूला तो आप समझ गए हैं, और अभी तक जो भी व्यक्ति वीडियो में बने हुए हैं ना, उन लोग के सामने मैं कुछ बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो क्या है, देखिए फॉर्मूला तीनों सही है, कि हम लोग को थ्रेड में क्लियरेंस चाहिए या नहीं चाहिए, थ्रेड का क्लियरेंस होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये जब आपके ऊपर डिपेंडेबल करता है तो आपको फॉर्मूला चुनना पड़ता है। चलिए मैं समझा देता हूँ वो कैसे। वो कुछ इस तरीका से कि अगर आप 20 में M20 के लिए अगर आप 16 का ड्रिल करेंगे, तो उसमें सबसे पहले ये देखिए कि पीच के अनुसार वो कितना ज़्यादा माइनस हो रहा है। आपका पीच है 2.5 और 16 के बाद में 4 mm, यानी कि वन साइड आपका जो हो रहा है ना, वन साइड आपका 2 mm हो रहा है, और पीच के अनुसार आपका वन साइड होना चाहिए था 1.25। पीच के अनुसार कितना होना चाहिए था, वन साइड थिकनेस होना चाहिए था 1.25, लेकिन हो कितना रहा है, 2 mm। यानी कि जब आप इस जगह टेप चलाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएंगी उसको समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आएंगी, सबसे पहले आपको टेप चलाने में दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा टाइट चलेगा, शायद आप चला भी ना पाओ, आपको बड़ा बड़ा हैंडल लगाना पड़े, या फिर अगर आप लेथ मशीन में इसे थ्रेड के रूप में काट रहे हो तो थ्रेड तो कट जाएगा,
लेकिन हो सकता है कि जो भी आपका नट या स्क्रू है उसको चढ़ाते वक्त में आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, क्योंकि वो उसका मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर आपस में मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला आया था जो कि आप देख सकते हो 16.95 वाला, उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी। देखिए, पहली बात तो 16.95 का आपको ड्रिल मिलेगा नहीं, 17 का ड्रिल करना है। अब यहाँ पर 17 का ड्रिल करना है और M20 यानी कि 3 mm यानी कि 1.5 यहाँ पर है, सही है, मान सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि आपका क्लियरेंस ये कितना दे रहा है ना, क्लियरेंस कितना दे पा रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग का कोई ऐसा जॉब है जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में हो रहा है और उसको एक्यूरेसी पे ध्यान रखते हुए देना है, तो आप क्या कीजिए, कम से कम ड्रिल साइज कीजिए, है ना। उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा माइनर डायमीटर को काटते हुए अंदर से जाना पड़ेगा और उसके बाद में एक्यूरेसी के हिसाब से आपका नट चढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपको नॉर्मली एक थ्रेड बनाना है, एक स्क्रू जैक बनाना है, एक स्क्रू एंड नट बनाना है जो कि बेसिकली हर जगह में यूज होते हैं, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो सेकंड फॉर्मूला था TDS इक्वल टू TS माइनस पिच यानी कि टेप साइज माइनस पिच, आप लोग उसे यूज कीजिए। ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट बोल सकते हैं एक नॉर्मल सा थ्रेड या स्क्रू या नट बनाने के लिए, या एक टेप ड्रिल साइज करने के लिए, या ड्रिल साइज पता करने के लिए, ये एक परफेक्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग का जो पीच है, जो हम लोग का पीच है, वो पीच का आधा ही हम लोग का डेप्थ थ्रेड में दिया जाता है लगभग। अगर डेप्थ थ्रेड भी फॉर्मूले के अनुसार निकाले ना तो कुछ अलग निकलेगा, और वो कुछ अलग ही हम लोग को बहुत अलग दिखा देगा। क्योंकि इतना समझ लीजिए, मैं खुद जो पढ़ाई किया हूँ या फिर जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में ना जाना जमीन आसमान का फर्क होता है। आप थ्योरी कर तो लोगे लेकिन प्रैक्टिकल करते समय में ना हलवा टाइट हो जाएगा, हेकड़ी निकल जाएगी आपकी। इसलिए इतना समझ लीजिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी को समझो, थ्योरी को हर भाषा में, हर तरीके से, हर टेक्निक से समझो, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय ना आपको बहुत बार बहुत से जुगाड़ लगाने होते हैं, बहुत से थिंकिंग लगाने होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उस जगह आपका थ्योरी काम नहीं आएगा, उस जगह आपका जुगाड़ काम आएगा। इसलिए जो सेकंड फॉर्मूला है वो एक नॉर्मल सा थ्रेड, एक नॉर्मल सा स्क्रू, एक नॉर्मल सा टेप साइज, डाई साइज बनाने के लिए सफिशियंट है। आप लोग इसे यूज कीजिए, ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? तो TS माइनस पिच यानी कि जितना भी आपका टेप साइज है, जितना भी आपका जो जितना का टेप है उसमें से आप पिच को माइनस कीजिए, उतना का ड्रिल कीजिए, आपका टेप परफेक्ट आएगा, एकदम बहुत अच्छा सा आएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं एग्जांपल और भी दे सकता था, और भी मतलब M16 M12 दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि वीडियो लंबा ना हो और मुझे बारीकी से समझाना था, इसीलिए मैं इतना समझा करके बंद कर दूंगा। और जो भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और मेरे जो जितने भी सोशल लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप लोग उसे लाइक फॉलो कर लें, क्योंकि उसमें भी सेम चीज़ें आप लोग को जानने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है ना। जल्दी मेरा एक नया चैनल आ रहा है, उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो चैनल किस बेस पे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चैनल रहेगा बेसिकली थ्योरी के ऊपर में, जैसा कि मुझे लगभग सारा कमेंट मिला है कि ITI एंड डिप्लोमा के कुछ लड़के एंड लड़कियाँ क्या होता है कि ट्यूशन फीस के वजह से और बेसिकली पैसे के वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही है, तो वो खास करके चैप्टर वाइज ही ITI एंड डिप्लोमा के लिए रहेगा। खैर, उसके लिए तो अभी प्रिपरेशन चल रही है, अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ। देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।